स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। जी हाँ, यहाँ बात करने जा रहे हैं हम संजय दत्त के बारे में। बता दें कि संजय दत्त एक बार फिर से सुर्खियों में बनाए हैं क्योंकि आज उनके मान्यता दत्त के साथ 14th एनिवर्सरी है। वहीं पर वो अपनी बीवी के पैर दबाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि ये जो वीडियो लगातार वायरल हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा फनी वीडियो है। 14th एनिवर्सरी है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। हमें संजय दत्त के बारे में काफ़ी चीज़ें तो मालूम ही है कि किस तरह से उन्होंने कारावास काटा था और क्या क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और मुसीबतों का सामना किया था, और उसका पूरा पूरा जो श्रेय था जो हमने फिल्म देखी थी उससे हमें सारी चीज़ें मालूम भी हो गई थी। लेकिन कहा जाता है कि रियल लाइफ कुछ और होती है और रियल लाइफ कुछ और होती है, तो वही सच्चाई थी। लेकिन आपको बता दें कि जो ये लगातार वीडियो वायरल हो रहा है मान्यता और संजय दत्त का, उसमें अपनी शादी की 14th सालगिरह को मनाते हुए बहुत प्यारे तरीके से नजर आ रहे हैं। भले ही उसमें मान्यता नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन संजय दत्त पूरे तरीके से अपनी बीवी के पैर दबाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तो फैंस ने कमेंट्स की वहाँ पे बारिश कर दी। उनको लगातार विशेष आ रही है, उनके सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है और फैंस उनको आज के टाइम पर भी देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। बस फैंस को इस चीज़ का इंतजार है कि वह फिर से संजय दत्त वापस से कमबैक करे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। उनकी वो फिल्म MBBS सबको याद ही होगी, उसके बाद से ही उन्होंने अपने करियर में तुल पकड़ी थी क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप ले लिया था। लेकिन अब इंतजार है उनकी फिल्मों का कि जल्दी संजय दत्त एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखाई दे। लेकिन वहीं पर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, फैंस हैं, उनका यही कहना है कि जहाँ एक तरफ लता का निधन हुआ और जहाँ एक तरफ रवि टंडन का निधन हुआ, उसके बीच में एक खुशखबरी जो आई है उससे अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, पति पत्नी के प्यार को देखकर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।